तो छुट्टी वाले दिन कहीं आउटिंग ना हो तो मुझे लगता है छुट्टी वाला दिन ही ज़ाया हो गया है तो फिर हम शाम को निकले थे वॉक शॉक करने के लिए पहले हमारा प्लान तो था कि हम ई मार्ट विजिट करेंगे उसको डिटेल से सारी चीज़ें देखेंगे कपड़े शपड़े भी हमने कुछ देखने थे तो लेकिन हमने पहले डिसाइड किया कि हम किसी पार्क शार्क में चलते हैं <laughs> पार्क शार्क में पहले हमने सोचा कि किसी पार्क में चलते हैं तो वॉक करते करते वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी पार्क तो एक दफ़ा पहले मैं यहाँ पर गई हुई हूँ तो मैंने सोचा ले यहीं पे चलते हैं दोबारा ये पार्क बहुत बड़ी पार्क नहीं है लेकिन ये है कि मतलब अच्छी है ये पार्क एक हिस्टोरिकल पार्क है यहाँ पर मोस्टली जो मैंने दो चार लोग देखे हैं वो बच्चों वाले ही देखे हैं कि जो बच्चों को लेकर आते हैं वो उनको सिखा रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं वो बच्चे वहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड बनाई हुई है वैसे तो मैंने कोरिया की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन जब ये चीजें खुद आपके सामने आ जाती हैं तो फिर आप कहते हैं कि हाँ भाई देखते हैं और क्या क्या है इसमें ना तो यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ था इसमें शायद इन्होंने कोई मोहल्ले बकू लिखा हुआ था इसका और मुझे कोई समझ नहीं आई खास तो खैर मैंने इसकी बस एक वीडियो से क्लिप बनाया और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पार्क में और क्या क्या है यहाँ पर इन्होंने ये झुग्गी टाइप से घर बनाए हुए थे ये हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे पहले मतलब स्टार्ट में ये लोग ऐसे रहा करते थे और यहाँ पर ये जो इन्होंने वो बनाए हुए ये भी सारे वो उसी की अलामत है कि ये लोग किस तरह से काम किया करते थे और ये सारा कुछ इन्होंने बना के विजुअली दिखाया हुआ था कि किस तरह से ये लोग काम करते रहे हैं कैसे इनका रहन सहन था किस तरह के वो लबास पहनते थे वैसे ये पार्क कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं था एक छोटे से एरिया में ये एक छोटा सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ था मुझे लगा था शायद वो मेरी तस्वीर बना रहे हैं मैंने हर एक के साथ खड़े होंगे बस बनाए थे लेकिन क्या है चलो वीडियो के तौर पर एक सेव हो जाते मेमरी और ये साथ में ये इन्होंने तीरंदाजी किस तरह से वो जानवरों को खाते होंगे मतलब इस तरह से तीर अंदाजी करके ये इनका फेवरेट जानवर दरमियान में है तो बस यही मैं देख रही थी साथ फिर हमने इस पार्क में कुछ वक्त गुजारा और फिर वॉक करते करते तो हमें लग गई थी भूख तो जो हमारा वो प्लान था ना इमार्ट जाने का तो वो भी मुलतवी हो गया एक तरह से चलो फिर किसी दिन ही चलो उसमें चलेंगे और फिर हमने लिया जी वापसी का रास्ता क्योंकि शाम भी हो रही थी वापसी पे हमने लिया शवारमा एक, एक पाकिस्तानी की शॉप है हमारे इधर घर के पास ही और फिर हमने खाना शाना खाया बस यही था आज का मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग आउटिंग का आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग